भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें धान खरीदी के लिए समस्याओं और किसानों के रकबा कम करने के मामले में कांग्रेस सरकार को घेरा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने सीधे सीधे किसानों की समस्याओं को लेकर निशाना साधा। प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी ने सरकार पर सवाल खड़े की। वहीं भाजपा सांसद गुहाराम अजगले ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़िया होने का दिखावा कर रही है। सरकार ने पीएचई में प्रदेश के बाहर के ठेकेदारों को काम दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, सरकार सिर्फ राजनीति करने में लगी है। इसमें मैं तीन तथ्य रखना चाहूंगा कि पीडीएस के लिए 22 लाख मीट्रिक टन चावल के अगेंस्ट में पर्याप्त डीओ भूपेश बघेल सरकार ने नहीं जारी किया। जो संग्रहण केंद्र हैं 35 लाख मीट्रिक टन के लगभग धान की क्षमता है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके एवज में 90% जगह खाली था, लेकिन पर्याप्त टीओ जारी नहीं किया गया। और जो बफर लिमिट था सोसाइटियों का, वो कुल टारगेट के लगभग 10% के आसपास होता है, उसको इन्होंने जानबूझकर बढ़ा दिया, जिसके कारण टीओ और डीओ नहीं कट पाया। इन सबके कारण अव्यवस्था छत्तीसगढ़ में जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत भूपेश बघेल जी की सरकार द्वारा धान खरीदी को किसान भाइयों को प्रभावित करने के लिए ये की गई है। इनमें से अगर एक भी तथ्य गलत हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को दावा, उनको चुनौती देता हूं कि वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, मैं उसको कानूनी प्रक्रिया फेस करने को तैयार हूं। और अगर मेरे तथ्य सही हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को सही बात बताते हुए माफ़ी मांगता हूं। 22 तारीख को किसानों के हित में, किसानों के साथ जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छलावा हो रहा है, तो इसको दृष्टि में रखते हुए किसानों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से 22 तारीख को जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। इस विषय पे आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों को बुलाया गया और विज्ञप्ति जारी की गई, और 22 तारीख के हमारी जो कार्य योजना है कलेक्ट्रेट घेराव का, उसके संबंध में अवगत।